नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आरा नेटवर्क। हम लोग इस समय हैं आरसी कॉलेज पर और यहाँ से जो छात्र लापता हुआ था उसकी बॉडी कल बरामद हो गई थी और यहाँ पे एवीवीपी इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। एवीवीपी की जो छात्र इकाई है तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर सूर्यकांत जी, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है सर अभी पूरा जो आप प्रदर्शन आप कर रहे हैं? मैं सूर्यकांत, 30 जनवरी से लापता छात्र मनीष कुमार एक बिहार से रहने वाला है, उसके पिताजी हैं रोहित जी। वो 30 तारीख को जब लापता हुआ तो वार्डन से जानकारी दी गई कि मनीष लापता है। लापता होने के बाद में जब कॉलेज प्रशासन को फ़ोन किया गया तो पल्ला झाड़ते हुए अनुराग चांद रजिस्ट्रार ने कहा कि बच्चे की हमें जानकारी नहीं है, अपने ढंग से ढूंढ लो। तो उसके पिताजी से संपर्क हुआ, राहुल एक सैनी है लड़का, उसके थ्रू। तो मैंने उसे मदद करने के लिए आया और मैंने पहले मुझे बताइए आप में से कितने लोग इसी कॉलेज के छात्र हैं या फिर एबीवीपी के? सिर्फ एडन के हैं। कॉलेज के सभी छात्रों को बिल्कुल बंद कर रखा है हॉस्टल में और आज के डर से कॉलेज ने छुट्टी कर दी है। एक मिनट रुक जाओ। कॉलेज आज के से हमारे कार्यक्रम की वजह से हमारी एक ये श्रद्धांजलि सभा थी। अभी हमारा कोई मोटो अभी किसी को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन की ऐसा नहीं था कि लंबे टाइम हम करेंगे, लेकिन हम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 3 दिन बाद हम उसके अनुसार फिर अपना कार्रवाई करेंगे। कॉलेज के छात्रों ने आपको समर्थन दिया है अंदर से? कॉलेज के छात्रों से बातचीत हुई है जो उनके क्लास के छात्र हैं? इंटरनल पूरा सपोर्ट है, हर किसी का, फैकल्टी का भी सपोर्ट ही है हमें। ऐसा नहीं है क्योंकि अन्याय के खिलाफ, एक मिनट, अन्याय के खिलाफ सभी हैं। न्याय के साथ जो होगा वो देखी जाएगी, अन्याय के खिलाफ सभी हैं। हम चाहते हैं कि मनीष को न्याय मिले और किसी भी चाहे कुछ भी कंडीशन हो हम मनीष को न्याय दिला के रहेंगे। न्याय आप दिलाएंगे, लेकिन आपने प्रशासन से क्या मांग की है या कॉलेज प्रशासन से क्या मांग की है? सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए हैं या क्या हुआ है? क्या बातचीत आपकी हुई है अभी किसी प्रशासन से या रजिस्ट्रार साहब से या डायरेक्टर साहब से किसी से बातचीत हुई है? क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? अभी रजिस्ट्रार अनुराग चांदना बाहर आए थे पुलिस के, हमने पुलिस से कहा था मगर कोई तो अपना प्रतिनिधि भेजे, सत्येंद्र गुप्ता, लेकिन रजिस्ट्रार अभी आए। तो अभी हमने एक तो मांग रखी है, अगर कॉलेज प्रशासन का अगर कहीं भी फॉल्ट होता है तो कॉलेज प्रशासन 10 लाख रुपए का मुआवजा छात्र को देगा और हम उसकी मांग भी कर रहे हैं। और अगर कॉलेज प्रशासन का कोई भी फॉल्ट होता है, वार्डन का या किसी का या किसी भी स्टूडेंट का किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 30 तारीख को छात्र लापता हो जाता है और आज लगभग 8 से 9 तारीख है और उसके बीच में इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस में कहीं शिकायत दर्ज कराई गई थी? कॉलेज की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है। एक बार अनुराग चांदन से बात हुई कि कैमरे दिखाओ तो कैमरे ही सारे फैल रहे हैं, कोई भी कैमरा नहीं चल रहा कॉलेज में। सैकड़ों कैमरे लगने के बाद भी एक भी कैमरे की CDR नहीं मिली और उसमें कॉलेज का कोई सपोर्ट नहीं रहा। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस से आपने बातचीत करी होगी? पुलिस से बात की है, पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसे सजा देंगे। सजा दी जाएगी। आप प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे रुड़की क्षेत्र के, जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि हैं, क्या बातचीत हुई है प्रतिनिधि से आपकी, विधायक जी से? जी, विधायक जी से बात भी हुई, विधायक जी ने खेद भी प्रकट किया है और साथ ही अभी कॉलेज प्रशासन से साझा कर रहे हैं जिस तरह अभी बात का निष्कर्ष निकाला जाएगा। इस समय अभी कॉलेज प्रशासन की ओर से चांदना जी बाहर आए थे रजिस्ट्रार साहब, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिखा, क्योंकि जब 30 तारीख से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स कॉलेज प्रशासन का दिखा ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी ये कह दिया जाता है कि आप अपनी कार्रवाई अपने आप कर लें, हमारा कोई मतलब है ही नहीं। आप सरकार में हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी तरफ से क्या दबाव अभी बनाया गया है इनकी तरफ, इसके कॉलेज प्रशासन की तरफ कोई दबाव बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दबाव बनाया गया है कि छात्र को अगर लापता हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल दी जाए अंदर से, क्या कुछ इस तरह की बात चल रही है अभी? देखिए, सरकार पूर्णतः साथ है, विद्यार्थी परिषद के कंधे से कंधा मिलाकर साथ है और जिस तरीके से भाई गया है हमारे बीच से, वह किसी का बेटा किसी का भाई था ही, हम लोगों का भी भाई था, हम भी इसलिए ही खड़े हैं आज यहाँ पे, कहीं ना कहीं सच्चाई है उस भाई में, इस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और कॉलेज प्रशासन जो झूठा प्रशासन दिखाया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही कर रहा है कि कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है, मतलब कॉलेज प्रशासन के उसी दिन इनके कैमरे में फॉल्ट आ गया, कोई भी कैमरा लोकेशन बाहर जाने की नहीं, अंदर जाने की नहीं, गेट पास रख रखे, गेट पास अंदर हैं तो बच्चे के जाने आने जाने की खबर नहीं है। तो क्या कोई पेरेंट्स 1000 किलोमीटर बिहार से बच्चा पढ़ने बाहर आ रहा है, कम से कम पेरेंटल केयर एक वार्डन हॉस्टल देता है, एक कॉलेज देता है। नेट पे आप अपनी रेटिंग दिखा रहे हैं 5 स्टार, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू खरीदी हुई है, कौन सी, वो बच्चा बेचारा 5 5-स्टार रेटिंग देख के यहाँ आया, ठीक है जी, देख के आया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कॉलेज प्रशासन ने जो पेरेंटल केयर थी वो
की ही नहीं, अगर करती तो ये जवाब ना होता कि आप अपने आप कर लो अपनी कार्रवाई। चलिए एक कॉलेज प्रशासन पर सवाल है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं दूर दूर से, बिहार से वो लड़का यहाँ पर पढ़ने आया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन पर सवाल है, जांच के घेरे में है कि उनके सीसीटीवी फुटेज काम नहीं करते हैं, सीसीटीवी काम नहीं करते हैं उसी समय पर जब मांगा जाता है कि आप सीसीटीवी दिखाइए। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे इस समय हम लोग हैं, यही वो कैंपस है जहाँ से वो छात्र लापता हुआ है, लेकिन सवाल तो पूछा जाना चाहिए कैंपस में। जी 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 लेते हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए कैंपस में जितने भी लोग हैं, जो लोग प्रतिनिधि हैं, जो लोग जिम्मेदारी जिनको है कैंपस की, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के से। लेकिन एवीपीपी के छात्र उसके लिए इंसाफ की मांग यहां पर कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा इस वाले केस में। बने रहिए द न्यूज़ आरा नेटवर्क के साथ, कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ आरा नेटवर्क। शुक्रिया।